अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ और ये है मछली के सिरे। यह मछली का कुछ गोश्त का हिस्सा भी है। ये इस तरह कांटे इन चीज़ों का सूप भी बनाया जाता है, सालन भी बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को फुल फिश बनाना सिखा दी थी, अब मैं इसके इन पीसीस का मैं आपको सालन बनाना सिखाऊंगी। ये सालन के तौर पर भी खाया जाता है और सूप के तौर पर भी पिया जाता है। इसके इसमें जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इस फिश को मसाला लगा के रख लिया हुआ है। ये इसके सिरे हैं, इनको मैंने सबको मसाला वगैरह लगा के रख दिया। जो मसाला मैंने इनको ओवरनाइट लगा के रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है नमक, यह हाफ टी स्पून है, 1 टेबल स्पून ही भर के, यह है लाल मिर्च पीसी हुई, यह है हल्दी 1/2 टीस्पून, एक आधा चाय का चम्मच, इसके साथ है ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये 1/2 टीस्पून है। और इसमें साथ ही हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ, ये भी 1/2 टीस्पून है। ज़ीरा और गरम मसाला हम जितनी कम मकदार में ऐड करेंगे उतना ही अच्छा है, इससे मछली काली नहीं होती, वरना फ्राई करते वक्त ये काली हो जाती है। और इसके सालन बनाने वक्त जो है चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। इसमें जाएगा सबसे पहले प्याज, ये प्याज है 2 अदद, इसको मैंने बारीक काट लिया। इसमें साथ ही जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है 2 चम्मच, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 2 ही चम्मच अदरक का पेस्ट है। और इसके साथ 1 प्याली दही की, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट के रख लिया। अब सालन में जो मसाले ऐड होंगे वो भी मैं आपको साथ ही इसमें बता देती हूँ। अब सालन में जो जाएंगे मसाले वो ये हैं, नमक, मैंने फ़िश को भी लगाया हुआ है इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून से कम रखा, यानी ये 1/4 टीस्पून है। फिर हम जायका देखकर फिर इसमें ऐड कर लेंगे। ये हल्दी है 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ये लाल मिर्चा पीसी हुई, यानी कि 1 टीस्पून। अब मैं इसका सालन, अब सबसे पहले हम इसका सालन बनाने के लिए ये फ़िश को हम फ्राई करेंगे और इसको तकरीबन 2-2, 3-3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। मैं आपको साथ के साथ दिखाती रहती हूँ और फिर हम इसके बाद फ्राई करके फिर हम इसका सालन बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अब मैं फ्राई करने के लिए इसमें इसका ऑयल डालूँगी कढ़ाई में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, मैंने ऑयल रख लिया गर्म होने के लिए। जब गर्म होता है फिर ही मैं साथ ही इसमें फ़िश भी ऐड करूँगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ऑयल गर्म हो जाता है फिर मैं इसमें फ़िश ऐड करती हूँ। इसकी आग हमने दरमियाने साइज़ की रखनी है, यानी दरमियानी आग रखनी है। अब ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं फ़िश ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी फिश की तरह ही बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसी तरह 2 मिनट ये फ्राई कर करके ये मैं निकाली जा रही हूँ। या आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह ही मैं सारी फिश फ्राई कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये फिश फ्राई हो गई है, अब मैं इसका सालन बनाऊंगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये फ़िश का ऑयल है, इसी में मैं प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने प्याज डाल दिया, अब इसको हम ब्राउन करेंगे और इस दिन दोबारा इसको फिर हम बाहर निकालेंगे और ग्राइंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही। अब ये देखिए प्याज हो चुका है, अब मैं इसको निकाल के ग्राइंड कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यह मैंने प्याज निकाल के इसको ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए इसमें मैं डाल रहा हूँ, अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने ग्राइंड कर लिया।
इसमें अब मैं बारीक पानी डालकर मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब ये देखें, इसमें मैं मसाला ऐड कर दूंगी, ये मैंने आपको दिखाया था, नमक मिर्च हल्दी ये सब कुछ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इसके साथ ही भी मैं बाद में इसमें दही ऐड कर दूंगी। मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा सालन बनेगा। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये मैंने दही अच्छी तरह फेंट ली थी और मैंने इसकी आंच कम कर दी है। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी मसाले की लुक दिखाऊंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैं फिश ऐड करूंगी। ये फिश है जो मैंने आपको दिखाई थी फ्राई की हुई, ये मैंने इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों में कांटे वगैरह भी होते हैं, और मैंने इसके साथ साथ एक फ़िश पूरी भी बनाई है, फ्राई की है, वो भी मैं इसी में साथ ही ऐड कर देती हूँ। ये मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को उस दिन दे दी थी, ये मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी मैं। इसको तकरीबन हम 2 मिनट भूनेंगे, 2 से 3 मिनट, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी लेकिन हम पका कर ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एडो सा ना लगे, और फिश भी ये भूनी जा चुकी है। इसमें हल्की सी मैंने आग जलाई हुई है, और दूसरी साइड पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके सालन के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, शोरबे के लिए पानी गर्म हम करके डालेंगे। दूसरी तरफ ये फ़िश बन रही है। आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये सर्दियों की सौगात है जो कि मैं आपको मैंने बनाना सिखा दिया है। फ़िश भी मैंने फ्राई बनाना सिखाई है, और पूरी फ़िश भी मैंने सालन बनाना सिखाया है, और ये अब सिरे जो हैं इनका भी मैंने सालन बनाना सिखाया है। ये सालन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, और ये सूप में भी पिया जाता है। सूप में इसको, इसमें नमक काली मिर्च वगैरह नहीं ऐड की जाती, और ये इसी तरह ही बनता है इसका सूप। इसमें नमक और काली मिर्च वगैरह नहीं इस्तेमाल की जाती, इसमें यही इसी तरह ही ये बनता है सूप। इसको सूप भी कहा जाता है, इसको सालन भी कहा जाता है। ये लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए, आप लोगों को इसकी खुशबू नहीं आएगी, वरना मैं आपको बता सकूं कि इतनी टेस्टी इसकी खुशबू आ रही है। अब ये देखें, ये भुने जा चुके हैं, इसका ऑयल अलहदा हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं गरम पानी ऐड करूंगी, गरम गरम बिल्कुल पकता हुआ पानी है, जो मैं साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस रेसिपी में सिरे, कंडे और फिश की दूम, ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसको यही कहा जाता है कि सिरे का सालन, ठीक है, लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ें फ़िश की इस्तेमाल होती हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह ये अब पकना शुरू हो गया, अब 5 से 10 मिनट पकेगा मज़ीद, तो मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये पकना शुरू हो गया तो मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 से 10 मिनट पकाऊँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखिए जी, अब ये इसकी फ़ाइनल लुक, ये बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए,
ये बहुत ही यमी बनेंगे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। ये बिल्कुल गल चुकी है, अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe my channel and press the bell icon.